तीन मॉडल्स हैं, तीनों की डिफरेंट लुक की है। मैंने एक आई भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, एक फेस की एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है और एक लिपस्टिक की एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। हम तीनों देख रहे हैं आपके तीनों में डिफरेंस है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आज यहाँ पर जो भी डेमोज आपने देखे, मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स मेकअप के लिए आए। एक चीज जो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बता रही हूँ, 1 and 101 प्लस जो हो जाएगा वो ओरिजिनल और सच्चाई के साथ होगा। कोई चीज यकीन करें मतलब पूछिए, आज की क्लास में मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था। ये जो आज की क्लास हुई है ये मुझे अपना काम आप लोगों को दिखाना था। लोग मुझे सिर्फ हेयर एक्सपर्ट समझते हैं क्योंकि मेरे मेकअप से लोग वाकिफ नहीं है कि मैं किस तरह का काम करती हूँ। क्योंकि जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ बहुत छोटा सिटी है, वहाँ पर हमें मॉडल्स नहीं मिलती, हमें फेसेस नहीं मिलते, हमारे रियल क्लाइंट्स हमें अलाउ नहीं करते कि हमारी पिक्चर्स आप इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे लगाए, एवं तो हमें स्टेटस पे भी पिक्चर लगाने का मतलब इजाजत नहीं होती। तो फिर हम अपना काम कहाँ दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे बताएं कि हम भी वो काम कर रहे हैं जो लोग 1.5 लाख रुपए चार्ज करके ब्राइड कर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास का जो मकसद है ना वो नॉलेज देना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आज की क्लास आपने 3000 रुपए फीस रखी है, आपने इतने ज्यादा पैसे रखे हैं। यकीन करें मैंने काम में नहीं है, मैंने लोगों से बहस भी नहीं की कि भाई मैं 3000 रुपए क्या बहुत सारे लोग
डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको नए सुनते ना, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, ये डीकोलाइजिंग क्या होगा, ये लाइटनर क्या होगा, ये टाइटेनियम ब्लीच क्या होगा। कल की वीडियो में जो आप लोगों ने देखा ना ब्लीच का लेवल, ये हमारा डीकोलाइजिंग लेवल 12 तक जो हम लेकर गए, जो आज हमने ग्रे कलर किया है, जब तक आप लेवल को 12 तक 11 तक या 10 तक लिफ्ट करेंगे, आप ये कलर अचीव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्लीच वॉश होगा, सिलेक्शन ऑफ डेवलपर्स ऑफ ब्लीच। इस क्लास के अंदर जो डेट 4 में हमारा कोर्स होगा, उसमें हम आपको डेवलपर्स जो हमारे पास 10, 20, 30, 40 होते हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है और किस डेवलपर का क्या काम है। अक्सर स्टूडेंट्स हमें ये सोचते हैं हमें लेवल नहीं पता, हमें डेवलपर का मकसद नहीं पता, कौन सा डेवलपर किस कलर में डाला जाता है। ये तमाम आपकी कलेक्शन जो है वो डेट 4 में होगी। डेट 5 में हम आपको ब्लीच वॉश करके दिखाएंगे हिना ट्रीटेड और मेटालिक हेयर, जो सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है, सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जब आप हिना ट्रीटेड में या मेटालिक वालों पे डी कलर करते हैं तो उसमें अंडरटोन पिगमेंट्स बहुत ज्यादा निकलती है। ऐसे ऐसे अंडरटोन निकलेंगे, अंडर लेवल निकलेंगे, उनको हैंडल किस तरह करना है ये आपको उस क्लास में बताया जाएगा। डे 6 में हम बैक टू बैक स्वाइन टेक्निक को यूज करेंगे फुल हेयर टाइमिंग सेक्शन के साथ। वो हाईलाइट होगी, कलर चेंज होगा, कलर हम सिलेक्ट करेंगे अपने मॉडल के लेवल के अकॉर्डिंग, वो हम कुछ नहीं बता सकते। इसी तरह हम अपने क्लाइंट्स को भी कुछ नहीं बता सकते कि आपका हाईलाइट्स का वो शेप आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, डे 7 जो हमारा होगा वो ट्रीटमेंट का होगा, जिसमें आफ्टर कलर ट्रीटमेंट और हाउ टू केयर एश टोन्स। एश टोन्स करवा तो बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन उनको केयर करना नहीं आता। उसके बाद ग्लॉसिंग होगी, आर्जिन का कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा ड्राई कंडीशनिंग के लिए और प्रोटीन पेस्ट का इस्तेमाल करना आप लोगों को सिखाया जाएगा। डे 8 के अंदर केराटिन ट्रीटमेंट होगा फुल डिटेल विद कंप्लीट लेक्चर। डे 9 के अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर और स्टूडेंट की होमवर्क प्रेजेंटेशन होगी, जो डे 9 होगा। डे 10 के अंदर बेबी लाइट्स, डे 11 एडवांस तैयार, डे 12 कॉम्प्लेट, डे 13 क्वेश्चन आंसर और केराटिन का डेमो स्टूडेंट्स हमें करके दिखाएंगे। डे 14 में यूटिलाइज डिफरेंट अंडरटोन पिगमेंट्स एंड कलर की और डे 15 में कंप्लीट नॉलेज ऑफ बायोटेक्स कलर का शेप का। ये पूरा कोर्स 15 दिन का है विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं होगा 15 दिन की क्लास में। क्लास ऑनलाइन होगी, फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप में होगी, क्लास तकरीबन 1 महीने तक उस ग्रुप में रहेगी। कोई ट्यूटिशन किसी वजह से, लाइट की वजह से, नेट की वजह से, बिजी होने की वजह से अगर कोई क्लास नहीं देख पाती तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को देख सकती है। पेड ग्रुप का एक प्राइवेट ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर, वो टोटल टाइम ओपन रहता है, उसमें आप अपनी मर्जी के सवाल जवाब जब आपके जहन में आए आप ग्रुप में पूछते हैं। उससे ये फायदा होता है कि ग्रुप में जितने लोग होते हैं उनके जहन में भी अगर ये सवाल होता है तो उनको भी ये जवाब मिल जाता है। इस ग्रुप की डिस्कशन तकरीबन 1 महीने तक चलती रहती है, बल्कि कोर्स खत्म होने के बाद अभी मेरे साथ पूरे साल से वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने पिछला बूटकैंप किया, वो आज भी मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। बल्कि जिन्होंने मुझसे कोर्स नहीं किया वो भी मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि ये मसला ऐसे हल होगा, ये मसला ऐसे हल होगा। कदर इस कोर्स का ये मकसद नहीं है कि जी हम 50,000 का कोर्स ले रहे हैं, तो कोर्स नहीं है। तो आप ये सोचें कि वो 50,000 का मटेरियल आपके अपने सैलून के लिए जा रहा है जिससे आपने अर्न करना है, कोर्स तो फ्री है। अगर आप मेरे सैलून में आके ये कोर्स 1,00,000 का भी करते तो भी आपको मटेरियल तो बाय करना पड़ेगा। बगैर मटेरियल बाय की तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कुकिंग करने के लिए किचन में जा रहे हैं और आपके पास राशन नहीं है तो आप खाना कहां से बनाइए। आप अपने मुझे कुकिंग तो बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी, किचन में कुछ है नहीं तो बोलेंगे भाई क्या आता है जरा करके तो दिखाओ ना। ये वाली आपके पास जो मटेरियल होगा ना आपके आपके जहन में ना दिमाग में आपको वो केसेस दिखना शुरू हो जाएंगे जो आपके कोर्स को, आपको ग्रे कमीज का मॉडल दिखना शुरू हो जाएगा, आपको फैशन शेड का, आपको ब्लीच वॉश का, आपको सारे मॉडल आपके एंट्री भी दिखेंगे। बात होता है स्टूडेंट कहते हमें मॉडल नहीं मिलता, आप कोर्स करें मॉडल ऑटोमेटिकली अल्लाह भेजे। मैं बता रही हूँ जब जहन खुलता है तो पता चल जाता है कि कैसे होगा। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से 50 सीट्स, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो पाकिस्तान में नहीं है। मतलब ये हमने बाहर इस्तेमाल तुर्की से ही मंगवाया कि 100% आप इसको टेस्ट भी करवा सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि बायोटेक्स को
अगर अभी तक आप लोगों ने बायोटेक्स का कट डाउन यूज नहीं किया ना, तो उसको एक दफा यूज करके देखें, फिर आपको कोई दूसरा कट डाउन नहीं पसंद आएगा। अच्छा, अब मैं आपको मेरी अभी जो सैनिक नगर के मोटिवेशनल स्पीकर थी आसपा, वो कुछ चंद एक लाइनें मुझे कह के गई है कि आप कह रहे हैं आपकी बात लोग समझते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, तो वो उनका मैसेज है जो मैं आपको कन्वे करना चाहूंगी। जो आप तमाम लेडीज के लिए, तमाम लेडीज जितनी भी यहाँ बैठी हुई है, वो सबके लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आप लोगों से इस मैसेज को कन्वे करते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी जिंदगी मुसलसल मेहनत अदा कोशिश का सफर है, मेरी जिंदगी मुसलसल मेहनत अदा कोशिश का सफर है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुसलसल मेहनत से अपने आप को बदल,